हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें हम कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बातें करेंगे, जिसमें से एनालॉग, डिजिटल, एफपीएस के, क्यूपीएस के जैसे कई टॉपिक्स हम जो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस पहली वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मैं, तो शुरू करते हैं। आज की इस पहली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल कम्युनिकेशन यानी ब्लॉक डायग्राम जो कि होता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसके ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, क्या क्या काम करता है, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक साइड ट्रांसमीटर है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है हमारे सिग्नल को, दूसरी साइड रिसीवर है जो कि रिसीव करता है सिग्नल को। किसी भी हमारे डिजिटल सिग्नल हो, चाहे वो एनालॉग सिग्नल हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हमारा सिग्नल हो, उसको रिसीव और ट्रांसमिट करने के काम आता है। तो जब हम बात करते हैं या किसी भी तरीके से हम सिग्नल को भेज रहे हैं, अपने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सोर्स के थ्रू हम भेज रहे हैं, तो एक साइड होता है हमारा ट्रांसमीटर एंड, दूसरी साइड होता है हमारा रिसीवर एंड। तो जब हम ट्रांसमीटर एंड की बात करते हैं तो ये हमारे कुछ ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ काम होते हैं, जैसे इनपुट सोर्स है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि इनपुट सोर्स और इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है। अभी बस एक आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ मैं कि इसमें ब्लॉक्स में ये होते हैं, यहाँ पे डिवाइस प्रेजेंट होते हैं। जिसमें ट्रांसमीटर एंड की हम बात करें, जिसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है इनपुट सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर, फॉर्मेटर्स, सोर्स इनकोडर, चैनल इनकोडर, बेस बैंड प्रोसेसर या बेस बैंड पास मॉड्यूलेटर। फिर आता है चैनल, जो कि एक तरह से मीडिएटर का काम करता है हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड पे। फिर जब हम रिसीवर एंड की बात करें, वही सेम चीज़ होती है बट रेसिप्रोकेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, बेस बैंड डिकोडर है, यहाँ पे क्या था, प्रोसेसर था, इनकोडर था, यहाँ पे क्या आ जाता है डिकोडर, बैंड पास मॉड्यूलेटर, चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर, डिफॉर्मेटर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर और आउटपुट सिग्नल, यानी फाइनली हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। जब मैं इनपुट सोर्स की बात करता हूं तो ये एक तरह का इनपुट सिग्नल होता है, यानी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी क्या होता है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन का हमारा सोर्स यही है। ठीक है, जो इनपुट सोर्स है वो हमारा क्या है, वो सोर्स है। इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सिस्टम्स आर एनालॉग इन नेचर। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल सिस्टम्स में क्या होता है, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग नेचर के होते हैं, सच एज वॉइस सिग्नल, वीडियो सिग्नल। These signals are also called non-electrical quantities, so cannot be processed directly. इनको हम नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी कहते हैं, जिसको हम प्रोसेस आगे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, जो क्योंकि हमें कोई भी मशीन को जो है वो डिजिटल फॉर्म में समझता है, कोई हमारा जो फॉर्मेट होता है वो बाइनरी कोडिंग समझती है, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में। इसीलिए हम एनालॉग सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, जो कि आगे हम उसको प्रोसेस नहीं करवा सकते, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नल में ताकि वो हम आगे उसको सेंड कर सकें। ठीक है, फिर बात आती है इनपुट ट्रांसड्यूसर्स की। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर्स में क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द अप्लाइड नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, यानी ये क्या करता है, हमारा कन्वर्ट कर देता है हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। यानी ये क्या कर रहा है, हमारे एनालॉग सिग्नल को हमारे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर नाउ द रिसीव सिग्नल शुड बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, दैट टास्क इज इनिशिएटेड बाय फॉर्मेटर्स। अब यहाँ पे बात करते हैं हम फॉर्मेटर्स की। फॉर्मेटर्स में क्या काम होता है कि जो रिसीव सिग्नल होता है, जो भी यहाँ पे फॉर्मेटर्स ने रिसीव किया है, वो क्या करता है, शुड बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। वो क्या करता है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो भी टास्क उसको इनिशिएट किया जाता है वो किसके थ्रू होता है, वो फॉर्मेटर्स करता है, फॉर्मेटर्स के थ्रू होता है। फॉर्मेटर्स कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, सिंपली कैन बी सेड एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी हम फॉर्मेटर को एक तरह से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, इफ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म सच एज कंप्यूटर, वी डू नॉट नीड फॉर्मेटर। अगर सपोज कीजिए अगर हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी हमें डिजिटल सिग्नल में ही प्रोवाइड कर रहा है हमारे डेटा को, या इन्फॉर्मेशन जो हमारे डिजिटली है बाइनरी कोडिंग पे है, तो वो फॉर्मेटर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि एग्जाम्पल है कंप्यूटर्स, ठीक है, उसमें हमें फॉर्मेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है सोर्स इनकोडर के पास। जो फॉर्मेट होने के बाद हमारा जो सिग्नल होता है वो जाता है हमारे सोर्स इनकोडर के पास। ठीक है, सोर्स इनकोडर का काम क्या होता है कि इट सिंपली प्रोवाइड्स अ रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट टू द अप्लाइड डिजिटल सिग्नल। ये क्या करता है कि एक तरह से हमारे जो भी सिग्नल आया है उसको बाइनरी डिजिट्स में, यानी 0 1 के फॉर्मेट में ये उसको कर देता, रिप्रेजेंट कर देता है, यानी एक तरह से उसकी शेप कर देता। शेपिंग में काम आता है हमारा सोर्स इनकोडर का। ठीक है, हमारे जो डिजिटल सिग्नल है उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसको फॉर्म कर देता है। ठीक है, फिर आता है हमारा जो सोर्स इनकोडर के पास जाता है, सोर्स इनकोडर के पास हमारे फिर चैनल इनकोडर के पास जाता है। हमारा जो डेटा होता है वो चैनल इनकोडर के पास जाता है। चैनल इनकोडर का काम क्या होता है कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू द चैनल प्रॉपर्टीज। चैनल इनकोडर प्रोवाइड सम रिडंडेंसी बिट्स टू द मैसेज सो दैट एट द रिसीवर साइड एरर फ्री सिग्नल कैन बी रिप्रोड्यूस। अब चैनल इनकोडर का काम क्या होता है वहाँ पे कि वो उसमें कुछ रिडंडेंसी बिट्स ऐड कर देता है। अगर रिडंडेंसी बिट्स आपको नहीं पता तो मैं आपको एक जो बेसिक बता देता हूँ कि रिडंडेंसी बिट्स क्या होता है कि उसमें हम कुछ सिग्नल, कुछ डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं ताकि क्या हो सके कि कोई भी हमारा जो सोर्स, जो हमारा जो रिसीविंग साइड है वहाँ पे एक एरर फ्री सिग्नल हमें मिल सके। ठीक है, रिडंडेंसी बिट्स वो भी 0-1 के फॉर्मेट में ही होता है। उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसके थ्रू हम रिडंडेंसी बिट्स ऐड करते हैं या फिर उसको हटाते हैं। उसके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आगे की वीडियो में फर्दर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी बस आपको एक नॉर्मल सा मैंने बेसिक बता दिया कि होता क्या रिडंडेंसी बिट। रिडंडेंसी बिट क्या करता है चैनल कोडर, उसमें रिडंडेंसी बिट्स ऐड कर देता है ताकि हमें जो मैसेज है वो रिसीवर एंड पे हमें एक एरर फ्री मैसेज मिल सके। ठीक है, फिर जाता है हमारा बेस बैंड प्रोसेसर और बैंड पास मॉड्यूलेटर का। अब इसका काम क्या होता है, अब इसका काम बस इतना सा है कि बेस बैंड प्रोसेसर में क्या होता है कि अगर कोई भी लो स्पीड वायरलेस ट्रांसमिशन है जो कि डायरेक्टली हो रही है हमारे बेस बैंड सिग्नल से, कैन बी ट्रांसमिटेड। अदरवाइज वी हैव टू एम्प्लॉय सम फीचर्स सच एज पल्स शेपिंग। अब जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई बहुत ही लो स्पीड का वायरलेस ट्रांसमिशन है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली नहीं जा सकता, हम मतलब कि बेसबैंड सिग्नल से हम जो ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं जैसे कि उसकी पल्स शेपिंग, लाइन कोडिंग, जो ताकि हमारा डाटा जो है हमारे नॉइसी एटमॉस्फेयर में आराम से ट्रैवल कर सके। वो सब किसके थ्रू होता है, हमारे बेसबैंड प्रोसेसर के थ्रू होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसी में बेसबैंड मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है। बेस बैंड मॉड्यूलेटर का काम बस इतना सा होता है कि अब देखिए जैसे हाई स्पीड का ट्रांसमिशन है, किसी भी केस में जैसे एनालॉग ट्रांसमिशन है या डिजिटल डाटा जो है मॉड्यूलेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। दिस टास्क इज परफॉर्म बाय बेस बैंड मॉड्यूलेटर। यानी किसी भी हाई स्पीड ट्रांसमिशन में जैसे किसी केस में होता है कि हाई स्पीड ट्रांसमिशन है, अब वहाँ पे क्या होता है कि एनालॉग ट्रांसमिशन में डिजिटल डाटा को मॉड्यूलेट कर दिया जाता है विद हेल्प ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करियर, जिसको हम CF के से भी डिनोट करते हैं, हाई करियर फ्रीक्वेंसीज। दिस टास्क इज परफॉर्म बाय बेसबैंड मॉड्यूलेटर। फिर बात करते हैं हम कम्युनिकेशन चैनल की, जो कि एक तरह से मीडिएटर होता है। ये एक हमारा जो है, इसको हम मीडिएटर भी कह सकते हैं। ये जो है हमारा एक तरह से मीडियम भी है, मीडियम कह लीजिए या मीडिएटर कह लीजिए, जिसके थ्रू हम ट्रांसमीटर से हम अपने रिसीवर एंड पे हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है, इट इज़ अ मीडिया वाया विच द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंड टू द रिसीविंग एंड। एक तरह से मीडिया है जिसमें क्या करता है, सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, सिग्नल जो है ट्रांसमिट किया जाता है ताकि हम ट्रांसमिटेड एंड से हम रिसीविंग एंड पे अपने सिग्नल्स को हम सेंड कर सके। कम्युनिकेशन चैनल इज द पार्ट ऑफ मॉडल एट विच द मैक्सिमम नॉइस इज एडेड टू द सिग्नल। अब ये कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है कि ये एक पार्ट ऑफ मॉडल होता है जहाँ पे मैक्सिमम नॉइस जो है वो ऐड किए जाते हैं हमारे सिग्नल में। ठीक है, अब तक तो हमने बात की ट्रांसमिटिंग साइड की, अब हम बात करेंगे रिसीविंग एंड पे कि रिसीविंग एंड पे क्या होता है। रिसीविंग एंड पे भी सेम चीज़ें होती है, बस इसका जो है हमारा रेसिप्रोकेट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है कि अगर हमने यहाँ पे जैसे बेसबैंड प्रोसेसर लगा रखा है या इनकोडर लगा रखा है तो यहाँ पे हम बेसबैंड डिकोडर, उसी तरह जो हमने इनकोडिंग की थी उसको हम डिकोड करेंगे और जो हमने फॉर्मेटिंग की थी उसको हम डिफॉर्मेट करेंगे। सेम चीज़ ही होती है, बस कुछ रेसिप्रोकल हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि बेसबैंड और डिकोडर, बेसबैंड डीमॉड्यूलेटर होता है, उसका काम क्या होता है, बाय द बेसबैंड डिकोडर द पल्स शेप्ड और द लाइन कोडेड डाटा ओरिजिनल डाटा इज रिकवर्ड बैक। अब बेसबैंड डिकोडर में क्या होता है कि जो पल्स शेप्ड और लाइन कोडेड डाटा होता है उसको हम ओरिजिनल डाटा में हम वापस से रिकवर करते हैं। If at the transmitter side we have used baseband modulator, at the receiver side by demodulator the data is demodulated to get original signal। अगर हमने ट्रांसमीटर साइड पे हमने बेसबैंड मॉड्यूलेटर का यूज़ किया है तो हमें रिसीविंग साइड पे डीमॉड्यूलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम अपने डाटा को डीमॉड्यूलेट करवा सके ताकि हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल सके। फिर हमारा जाता है चैनल डिकोडर के पास, ये चैनल डिकोडर के पास जाता है। चैनल डिकोडर का काम क्या होता है कि चैनल डिकोडर क्या करता है, रिडंडेंसी बिट्स जो हमने ऐड किए थे वहाँ पे वो उसको रिमूव कर देता है हमारे, और हमारे सिग्नल के पास हमें जो भी सिग्नल था हमारा वो हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर जाता है सोर्स डिकोडर के पास। सोर्स डिकोडर जो चैनल डिकोडर के पास सोर्स डिकोडर के पास जाता है। सोर्स डिकोडर का काम क्या होता है कि वहाँ पर हम डिकोड करते हैं अपने डिजिटल डाटा को, ताकि जो हमें ओरिजिनल फॉर्मेट है, यानी जो भी एक ओरिजिनल फॉर्म हो डिजिटल फॉर्म में, हमें अपने डाटा जो है वो मिल सके। जैसे इसको मैंने लिखा है, बाई यूजिंग सोर्स डिकोडर we are able to decode the digital so that the original data is now available in digital form। ठीक है। फिर जाता है हमारे डिफॉर्मेटर के पास। डिफॉर्मेटर क्या करता है कि डिफॉर्मेटर कन्वर्ट्स द डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग एंड दैट डेटा इज अप्लाइड टू द एप्रोप्रिएट आउटपुट डिवाइस। अब डिजिटल डेटा डिफॉर्मेटर क्या करता है, हमारे डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा आउटपुट ट्रांसड्यूसर के पास जाता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या था, यहाँ पे जो हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर करता था उसी का, यानी जो हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में करता था इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब वही चीज आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हमारा कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और लास्ट में हमें अपना आउटपुट सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।